झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम ले रहे हैं बिहारी के दोहों पर केंद्रित प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। इसके पहले हम उनके दोहों के भावार्थ कर चुके हैं। इसमें प्रश्न पहला है का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहले प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है कि छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। तो इसका उत्तर ये है कि जब प्रचंड गर्मी पड़ती है उस समय कहीं पर भी छाया और शीतलता दिखाई नहीं देती, और दिखाई देती भी है तो उससे शीतलता प्राप्त नहीं होती। इस पर कवि ऐसा कह रहे हैं कि गर्मी से डर कर स्वयं छाया भी कहीं छाया की तलाश करने चली गई है। और दूसरा प्रश्न है इसी का कि बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कही है सब तेरो हियो मेरे ही की बात, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि बिहारी की नायिका ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह अपने मन की बात कहने में लज्जा महसूस कर रही है, इसलिए वह नायक से कहती है कि तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सब बातें तुमसे कह देगा। तीसरा प्रश्न है सच्चे मन में राम बसते हैं दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यह है कि जिस जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसे ही वास्तव में राम की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। लोग दिखावे के लिए हाथ में माला लेकर जपते हैं, शरीर पर राम नाम की छापी ओढ़ते हैं और बड़ा बड़ा त्रिपुंड और तिलक लगाए हुए घूमते हैं, परंतु उनका मन संसार की बातों में ही रमा रहता है, इसलिए वे भक्ति से दूर रहते हैं। चौथा प्रश्न है गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं। उत्तर यह है कि गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण के साथ वे मधुर वार्तालाप करें, बातचीत करने का आनंद प्राप्त करें, लेकिन कृष्ण जब मुरली बजाने लगते हैं तो वे उसमें पूरी तरह से तन्मय हो जाते हैं और तब वे किसी से बातें नहीं करते, इसलिए गोपियों ने उनकी मुरली को कहीं छुपा दिया। अब अगला प्रश्न है खा, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। यहां पर इस पंक्ति का भाव यह है कि श्री कृष्ण ने जिनका शरीर सांवले रंग का है उन्होंने पीले रंग के वस्त्रों को धारण किया हुआ है, तो नीला और पीला दोनों रंग मिलकर के जो वहां एक बिंब रच रहे हैं उसे कवि ने उसकी तुलना की है, उसकी उपमा दी है कि जैसे नील मणियों का एक विशाल पहाड़ हो और उस पर प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ रही हों, तब जो दृश्य बन रहा हो वही कृष्ण का सौंदर्य प्रतीत हो रहा है। और इसी का दूसरा है जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। इसका भाव ये है कि जब भीषण गर्मी पड़ती है तो प्राणियों के शरीर शिथिल पड़ जाते हैं, वे किसी एक कोने में कहीं पड़े हुए अपना समय भी व्यतीत करते हैं। ऐसे में सांप और मोर पक्षी, मोर सांप को मार देता है, खा लेता है, और हिरण और बाघ, बाघ हिरण को खा जाता है, लेकिन दोनों ही भक्ष और भक्ष दोनों एक साथ आसपास बैठे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये प्रचंड गर्मी ने पूरे जंगल को ही हिंसा रहित बना दिया है, तपस्या स्थली बना दिया है, साधु संतों का आश्रम बना दिया है, और प्राणियों ने भी जंगली जानवरों ने भी हिंसा त्याग दी है। और इसका तीसरा और अंतिम है जप माला छापे तिलक सरे नए को काम मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। इसका भाव यह है कि दिखावा करने से भक्ति नहीं होती,
कच्चा मन संसार में रमा रहता है, उसी लोभ में पड़ा रहता है, मोह में पड़ा रहता है, धन संपत्ति घर वैभव ही उसे दिखाई देते हैं। और जब सच्चा मन होता है, वह पूरी तरह से संसार को त्याग कर भक्ति में रम जाता है, उसे ही राम की प्राप्ति होती है। तो ये थे बिहारी कवि के दोहों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। अगली बार हम उनका जीवन परिचय करेंगे। तब तक के लिए विदा, और इसे कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।